बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा बंगाल और बिहार के चुनाव से पहले अपनी नई टीम का ऐलान करने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान संभालने के बाद नड्डा का पहला बड़ा टेस्ट बिहार में ही होगा, क्योंकि उसके बाद बंगाल के विधानसभा के चुनाव होंगे। जाहिर है कि कोरोना के जंग के बीच जब वो अपनी नई टीम का ऐलान करेंगे तब इन दो राज्यों पर उनका फोकस सबसे ज्यादा होगा। उन्हें ये साबित करना होगा कि वो अमित शाह से कम बड़े जादूगर नहीं हैं। हालांकि चाणक्य की धरती पर बीजेपी के सबसे बड़े चुनाव प्लानर अमित शाह को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, लेकिन बिहार में अब यानी साल 2020 में साल 2015 जैसे सियासी हालात नहीं है। नड्डा की नई टीम नए और पुराने कद्दावर अनुभवी नेताओं की मिलीजुली टीम होगी। बताया जाता है कि जिन महासचिवों के पास चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी है उनको नड्डा नहीं बदलेंगे। लिहाजा बिहार में प्रभारी महामंत्री भूपेंद्र यादव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय नड्डा की नई टीम में भी बने रहेंगे। चुनाव वाले राज्य जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत 7 राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में नड्डा इन राज्यों में कुछ नए चेहरों को राष्ट्रीय टीम में मौका देंगे। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ पुराने नेताओं को नई राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पहले से ही उपाध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संसदीय बोर्ड के सदस्य बनाए जा सकते हैं। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। नड्डा के सामने 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में संगठन फेरबदल में उत्तर प्रदेश का खास ख्याल रखा जाएगा। यूपी के कोटे से 2 से 3 नेताओं को नेशनल सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। अब देखना यह है कि नड्डा का यह पहला टेस्ट मैच का रिजल्ट बिहार से क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।